उज्जैन जिले के बड़नगर में कुछ ही महीने पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना संगम चौराहे पर की गई थी, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ की गई और प्रतिमा की आंखों व मुंह पर काला पदार्थ लगाया गया, जिसके बाद सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा इसकी सूचना प्रशासन को दी गई और थाने पर भी संगठन के लोग पहुंचे। इसके बाद बड़नगर प्रशासन की तहसीलदार माला राय, थाना प्रभारी हेमंत कटारे मौके पर पहुंचे और घटना को गंभीरता से लिया। संगठन के साथ तहसीलदार माला राय थाने पहुंची, जहां पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण बहुजन समाज का अपमान है। और जो कुछ सामंतवादी लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर अराजकता फैले, जातिवाद का बोलबाला हो, तो ये हम होने नहीं देंगे। और आपके माध्यम से हम बताना देना चाहते हैं कि हम सत्ता के बिना भी हम ताकतवर हैं, वह मुगालता में न रहें कि सत्ता के बल पर वो कुछ भी कर लेगा। मैं प्रशासन को 24 घंटे की चेतावनी देता हूँ कि यदि आरोपी को अरेस्ट नहीं किया तो यहाँ पे हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वर्तमान में सूचना प्राप्त हुई थी, अभी हम संगम चौराहे पर उपस्थित हुए थे, तो अंबेडकर जी की मूर्ति पर किसी असामाजिक तत्व के द्वारा उनकी आंखों पर और मुंह पर कुछ पदार्थ लगाया गया था, जिसे हमने मूर्ति को साफ करवाया गया है और अभी संबंधित व्यक्ति के साथ हम लोग थाने पर उपस्थित हैं और कार्रवाई की जा रही है। बड़नगर के संगम चौराहे बाबा साहब की जो आवेदन करता था उसके ऊपर एक 295 का मामला पंजीकृत किया है। लोग अज्ञात इसके जो आसपास के भी लगे उसका निकाल रहे हैं और जो भी इसमें पाया जाए उसका आगे कमी से कमी कार्रवाई करेंगे।